उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं घर के मसालों की बिरयानी। बिरयानी में मसाले कुछ इस तरह जाएंगे, इसमें साबुत मसाले भी जाते हैं और पीसे हुए मसाले भी जाते हैं। साबुत मसालों में हम डालेंगे इसमें एक बड़ा चमचा टेबलस्पून धनिया पाउडर का, एक छोटा चमचा ज़ीरा पाउडर का, एक छोटा चमचा सुर्ख मिर्च का, एक छोटा चमचा हल्दी का, एक छोटा चमचा नमक का, आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसमें कुछ तकरीबन 5-6 जाएंगे आलू बुखारा, आधा बड़ा चमचा इसमें जाएगा गरम मसाले का। और साबुत मसालों में हमारे पास जाएंगे 2 तेज़पात जाएंगे, थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया साबुत जो कि मैंने रोस्ट करके इसको रख लिया हुआ है। इसमें कुछ तकरीबन 10 के करीब जाएंगे लौंग, तो 5-6 जाएंगी बड़ी इलायचियाँ और इसके साथ जाएगी दालचीनी। थोड़ा सा हमारे पास जाएगा इसके अंदर ज़ीरा साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें और 3 अदद जाएंगी इसमें बड़ी इलायचियाँ। इन सब को मैंने ग्राइंड करके पहले रख लिया हुआ है। अभी बाकी जो मसाले हैं ये उसमें साबुत भी जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तकरीबन मैं बना रहा हूँ 2.5 कप चावल। 2.5 कप चावल जो है मैं 2.5 कप चावल बना रहा हूँ। 2.5 कप चावल मैंने भिगो के इसको मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम इसको उबालने के लिए रखेंगे। प्याज को हमने सुरख करके थोड़ा सुनहरी करके तो उसको निकाल लिए। ये अभी जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे उसके ऊपर डालेंगे। अभी इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे दूसरा प्याज। प्याज हमारा सुनहरी हो गया है। अभी हम इसके अंदर हमने डाला है अदरक और लहसुन, और जैसे ही थोड़ा सा ये हो जाता है ब्राउन इसके अंदर अभी साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन डाल के इसके अंदर इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इधर हमारे चावल भी तकरीब लिए, मैंने चावल भी हमने इधर रखे हुए हैं उसके लिए उबालने के लिए। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, तकरीबन इसको 2 कड़ी हमने बॉयल करना है। हमने इसमें अभी टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा सा अभी और भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही डाल के और मसाले डाल के फिर इनको हल्की आँच पे पकनेंगे। अभी टमाटर भी इसमें अच्छी तरह शामिल हो गए हैं। अभी जो मसाले हमने आपको दिखाए थे पहले उसको मैंने ग्राइंड करके इस तरह रख लिया हुआ है। अभी हमने तमाम मसाले साबुत और जो ग्राइंड थे वो तकरीबन सारे इसमें डालेंगे। मसाले डाल के इसको थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करके उसको हल्की आँच पे पकने देंगे। इतने में हमारे राइस रेडी हैं, तो राइस के लिए हम फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखेंगे अभी हमारा मसाला और चिकन जो है वो दोनों यकजा हो गए हैं। अभी ये तकरीबन मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अभी हम इसके अंदर योगर्ट डालेंगे। योगर्ट हमारे पास तकरीबन कोई 4 बड़े चमचे थे, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट के तो पहले रख लिया। अभी योगर्ट डाल के और इसको हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने पानी अभी तक नहीं डाला। पानी अगर आपने डालना है, अगर देखेंगे चिकन आपका नहीं गल रहा तो उसमें सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी डाल के आप उसको पका सकते हैं, पर मैंने इसको पानी नहीं डाला। ये दही के पानी और टमाटर के पानी के अंदर ही पक रहा है। अभी हमने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए रहने देना है। 5 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं। अभी हम मसाले को इसमें थोड़ा सा डाल के नीचे उसका ऑयल, तो उसके अंदर अभी चावल डाल के और बिरयानी को हम दम लगा।
forget to subscribe, like, and comment on our latest videos.